अरे देखो इस बार हमारे खेत में बैगन कितने सुंदर हुए हैं। कमला ये सब अच्छा बीज अच्छी खाद ये सब उसी की देन है कमला। हाँ बात तो तुम्हारी एकदम सही है। अरे दीपू तुम्हें क्या हुआ इतने शांत काहे बैठे हो, कोनो परेशानी है का? अरे दीपू का बात है, का सोच रहे हो? अरे अम्मा हमारी तो ये समझी में नहीं आता है, हम बीज बोते हैं तो ये बैगन के पौधे निकल आते हैं और फिर इनसे तोड़ के बैगन हम फिर बीज बोते हैं फिर ये बैगन के पौधे निकल आते हैं, हमारे तो कुछ समझी में नहीं आता। हम का जाने, तुम्हें ज्यादा पूछना हो तो अपने बापू से पूछो। अरे हम का बताई बिटवा, हम का कुछ नहीं मालूम। अरे वो देखो बहन जी आ गई। बहन जी नमस्कार। अरे ये क्या काका, तुम आज इसको स्कूल नहीं भेजे? अरे हमने सोचा थोड़ा खेत में हाथ बटवा लेगा। अरे वो तो ठीक है लेकिन पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है ना। कल जरूर भेज देंगे बहन जी। ठीक है बेटा, कल समय से स्कूल आना। कल ये स्कूल जरूर जाएगा। हाँ हाँ दीपू तुम क्या पूछ रहे थे, अब बहन जी से पूछो। बहन जी हमारे तो समझी में नहीं आता, हम बीज बोते हैं तो बैगन के पौधे निकल आते हैं फिर उनसे बैगन तोड़ के फिर बीज बोते हैं फिर उनसे पौधे निकल आते हैं, ये कुछ हमारे समझ में नहीं आता है। ठीक है बेटा तुमको हम ये समझाएंगे, अभी तो हम ग्राम शिक्षा समिति की बैठक में जा रहे हैं, तुम थोड़ी देर बाद में मेरे घर आना, तुमको सब समझाती हूँ। ठीक है? अच्छा बहन जी नमस्कार। आओ दीपू आओ बैठो। हाँ दीपू बताओ क्या जानना चाहते हो तुम? दीदी हम ये जानना चाहते थे कि बीज से पौधे कैसे होते हैं और फिर पौधों से बीज कैसे होते हैं। हाँ तुम जानना चाहते हो कि पौधों से बीज कैसे बनता है और बीज से पौधे कैसे बनते हैं। तो बेटा बीज जो होता है हमेशा प्रजनन के द्वारा बनता है ना? दीदी ये प्रजनन क्या होता है? प्रजनन का अर्थ होता है पैदा करना, है ना? तुम देखोगे संसार में सभी प्रकार के जीव अपनी तरह के जीवों को जन्म देते हैं और इस तरह अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। सभी जीवों का अपनी तरह के जीवों को जन्म देना ही प्रजनन कहलाता है। ठीक है? ठीक उसी तरह पौधे भी अपने ही तरह के पौधों को जन्म देते हैं, है ना? और अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, है ना? ये पौधों में भी प्रजनन होता है। तो ये प्रजनन बेटा कई तरह से होता है। दीदी ये प्रजनन कितने प्रकार का होता है? मुख्य रूप से प्रजनन तीन तरह का होता है, है ना? पहला होता है कायिक प्रजनन, दूसरा होता है अलैंगिक प्रजनन, तीसरा होता है लैंगिक प्रजनन। ठीक है बात समझ में आई? पहला कौन सा होता है? कायिक प्रजनन, दूसरा होता है अलैंगिक प्रजनन, तीसरा होता है लैंगिक प्रजनन। ठीक है? अच्छा दीपू एक बात बताओ, तुमने कभी ऐसा देखा है कि हम बिना बीज के पौधे उगाए? दीदी ये कैसे हो सकता है? ये होता है। देखो दीपू मैंने तुम्हारे लिए कुछ सब्जियां मंगा के रखी हैं, इन सब्जियों के साथ साथ तुमको मैं समझाऊंगी। इन सब्जियों को देखो, ये देखो ये तो जानते हो लौकी है, ये प्याज है, आलू है, भिंडी है, अदरक है ना? इन सब्जियों से तुमको हम समझाते हैं। देखो सबसे पहले ये तो जानते हो ये आलू है, क्या है ये? आलू है। आलू है, इसको तुम ध्यान से देखो कि तुम्हें इसमें कुछ गड्ढे नुमा रचनाएं दिखेंगी। हाँ। दिख रही है? हाँ। है ना? इन गड्ढे नुमा रचनाओं को हम आंख कहलाती हैं। क्या कहते हैं इसको? आंख। तो तुम देखो इसको। दीदी इसमें तो बहुत सारी आंखें हैं। हाँ इसमें बहुत सारी आंखें हैं और ये समझ लो इस एक आलू से हम कई पौधे बना सकते हैं और इन आंखों में एक कलिका होती है। ठीक है? प्रत्येक आंख में एक कलिका होती है ना? इस कलिका से ही नए पौधे का जन्म होता है। ठीक है? अब तुम सोचो ये आलू क्या है? एक तना होता है। क्या होता है ये? तना होता है। अब इस एक आलू से हम आलू के कई पौधे बना सकते हैं। अच्छा दीदी। हाँ क्या करते हैं, इस आलू को हम कई भागों में काट लेते हैं, है ना? कई भागों में काट लेते हैं और काटते वक्त हमें ये ध्यान रखना होता है कि प्रत्येक भाग में एक कलिका जरूर होनी चाहिए। अच्छा। ठीक है? यानी कि एक आंख जरूर होनी चाहिए। इसके कई भाग बना लेते हैं और हर भाग में एक कलिका होती है और प्रत्येक कलिका के साथ जमीन में मिट्टी में बो देते हैं और पानी डाल देते हैं, तो इससे हमारे आलू का नया पौधा तैयार हो जाता है। ठीक है? है ना? अब तुम देखो एक चित्र की सहायता से हम समझाते हैं। इस चित्र को तुम ध्यान से देखो, है ना? इसमें देखो ये आलू है और आलू की ये आँख है ना? इस आँख से देखो नया पौधा निकल रहा है ना? ये पौधा बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जाएगा, फिर इसमें नीचे जड़ों से नए नए आलू निकलते जाएंगे, कई आलू बन जाएंगे, इसे पूरे ढेर सारे आलू बन जाएंगे।
तो तुम देखोगे एक आलू से कितने सारे आलू बन गए ना। एक चीज और देखो, जैसे आलू हमारे बताया तुम्हें तना होता है, ये क्या है? प्याज है। प्याज जानते, प्याज भी एक तना होता है ना। इस प्याज को अगर हम जमीन में बो दें, इस प्याज को भी हम जमीन में अगर बो देते, इसमें भी कलिका होती है, और इसको हम जमीन में अगर बो देते हैं तो इससे नया पौधा निकल आता है और उसमें बहुत सारे नीचे प्याज लग जाते हैं। तुमने कभी घर में देखा है कि प्याज अगर बहुत दिन तक टोकरी में पड़ा रह जाए तो उसमें हरे हरे ऊपर निकल आते हैं? हाँ देखा है। हाँ, और धीरे धीरे इसके अंदर खोखला होता जाता है, अंदर खोखला होता जाता है, ऊपर हरे हरे निकलने लगते हैं। ठीक है, तो यही प्याज अगर हम जमीन में बो देते हैं तो इससे नया पौधा निकल आता है। इसको तना इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें नीचे जो हिस्सा, ये वाला हिस्सा है, इसको हम जड़ कहते हैं। ये भी एक तना है। और एक और विशेष प्रकार का तना होता है, जानते हो क्या है? अदरक। अदरक है ना, अदरक भी एक विशेष प्रकार का तना होता है। तो इस अदरक को भी अगर काट के हम जमीन में बो देते हैं तो इससे नया पौधा निकलता है, इसमें भी कलिकाएं होती हैं। अरे वाली दी, ये विशेष प्रकार का तना। ये सब विशेष प्रकार के तने हैं। पौधों के तने वाले भाग से कायिक जनन होता है तो इसको हम तनोधारक कायिक प्रजनन कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? दीदी ये पत्ती में भी कोई खास बात है? हाँ, ये पत्ती, इस ये अजूबे की पत्ती है। ये क्या है? अजूबे की पत्ती है। इस पत्ती में भी खास बात होती है। इस पत्ती को तुम ध्यान से देखो, खांचे नुमा रचना दिख रही है खांच? अगर इस पत्ती को हम जमीन में बो देते हैं, थोड़ा सा पानी डाल दें उस पर, तो कुछ दिनों में तुम देखोगे इसकी खांचों पे छोटी छोटी जड़ें निकल आती है ना। ये अजूबे की पत्ती का चित्र है, इसमें देखो खांचों से छोटी छोटी जड़ें निकली हैं। हाँ, और इससे ये पौधे निकले हैं। ये देखो छोटे छोटे पौधे निकले हैं। बाद में क्या करते हैं, इन पौधों को हम यहाँ खांचों से अलग कर लेते हैं, है ना, अलग करके अलग से मिट्टी में इनको बो देते हैं, तो हमको कई सारे नए पौधे मिल जाते हैं, है ना। तो इस पत्ती में यही खास बात है, इस पत्ती से कायिक प्रजनन होता है ना, यानी पत्ती से नया पौधा बनता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि जब पौधों के कायिक भाग जैसे जड़, तना और पत्ती से नए पौधे का जन्म हो तो इसे कायिक प्रजनन कहते हैं। जी, गुलाब का पेड़ लगाने के लिए हमें कलम लगाना पड़ता है, क्या ये भी एक कायिक प्रजनन है? कलम लगाना भी एक कायिक प्रजनन है, लेकिन ये कृत्रिम कायिक प्रजनन होता है ना। दीपू देखो, तुमने देखा होगा कि माली लोग जो होते हैं, किसान होते हैं, या फूल बेचने वाले लोग होते हैं, ये विभिन्न तरह के तरीकों का इस्तेमाल करते हैं और नए नए तरह के पौधे और फूल बनाते हैं। तुम देखोगे उनके पास तरह तरह के फूल होते हैं, एक ही पेड़ में कई कई रंग के फूल होते हैं, होते हैं ना। तो ये कृत्रिम कायिक प्रजनन की वजह से होता है। इसमें मुख्य रूप से तीन विधियाँ होती हैं। एक होती है कलम लगाना, ये तो तुम जानते ही हो, और एक होती है आरोपण, और एक होती है दाब कलम। ठीक है, तीन विधियाँ होती हैं। तो कलम तो तुम्हें पता ही है, कलम लगाने में हम क्या करते हैं, पौधे की टहनी को काट कर उसको हम मिट्टी में, जमीन में लगा देते हैं और पानी डाल देते हैं, है ना। कलम सिर्फ गुलाब की नहीं लगाई जाती है, कलम हम गुड़हल की भी लगाते हैं, कनेर की भी कलम लगाते हैं, गन्ना तो खाते हो ना, चूसते हो जी। गन्ने की भी कलम लगती है। कई पौधे हैं जिनकी हम कलम लगा सकते हैं, उससे हम नया पौधा बना सकते हैं। अब लौकी और भिंडी के बारे में कुछ बताइए। हाँ, बताते हैं तुमको। देखो दीपू, लौकी, भिंडी, सेब या कुछ और सब्जियाँ या जितने भी अनाज होते हैं, है ना, ये सब बीज द्वारा पैदा होते हैं। किसके द्वारा पैदा होते हैं? बीज द्वारा पैदा होते हैं। और इनमें जो बीज बनता है वो लैंगिक प्रजनन के द्वारा बनता है। जब नए जीव की उत्पत्ति दो विभिन्न लिंग वाले जीवधारियों से होती है तो उसे हम लैंगिक प्रजनन कहते हैं। बात समझ में आई? हाँ। दो विभिन्न लिंग के जीवधारी होते हैं इसमें, यानी कि इसमें दो तरह के जननांग पाए जाते हैं, है ना। एक होता है नर जननांग और दूसरा होता है मादा जननांग। ये दोनों ही जननांग फूल में बनते हैं। किसमें बनते हैं? फूल में बनते हैं। तो ये मालूम, पौधा जब बीज बोते हो तो पौधा बनता है, फिर पौधे में फूल लगते हैं ना। हाँ। और इसी फूल में दो तरह के जननांग पाए जाते हैं, एक होता है नर जननांग और दूसरा होता है मादा जननांग। समझ में आ गया? हाँ दीदी। ठीक है।